मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, कैसे हम अपने मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि मॉड्यूलर किचन आजकल चल रही है, लेकिन हम छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स लेके हम अपने किचन को और भी साफ़ सुथरा और भी ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। आजकल क्या है कि हम मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, तो मॉड्यूलर किचन इस तरीके की किचन होती हैं जो सारी की सारी सॉफ्ट टच कैबिनेट्स के साथ आती है और साथ के साथ अच्छे हैंडल्स होते हैं और सारी की सारी चीज़ें अलग से ही नज़र आती हैं। लेकिन क्या है कि हम मॉड्यूलर किचन में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो पुराने ज़माने की हैं, जैसे कि हम दालों का डब्बे रखते हैं स्टील के, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन आजकल न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो हम किस तरीके से न्यू ट्रेंड्स को यूज़ करके हमारा मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के ऊपर जान पाएंगे। हम 10 ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ लेके आए हैं, अब चलेंगे फर्स्ट आइडिया के ऊपर। जो फर्स्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये ऑर्गेनाइज़र है हमारे पल्सिस का, जिसको हम लेंटिल्स भी बोलते हैं या दालें बोलते हैं हिंदी में। तो किस तरीके से हम अपना पल्सिस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। ये जो पल्सिस ऑर्गेनाइज़र है, इसमें 8 पल्सिस आपकी अलग अलग तरीके की आप लगा सकते हैं। अगर जो आप उसको स्टील के बॉक्सेस में लगते हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन आप इसके अंदर, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है और ये मॉइस्चर प्रूफ है और तकरीबन 1600 का आपको अमेज़ॉन के लिंक से, नीचे के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको सस्ते में मिल सकता है। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसके अंदर नीचे डिस्पेंसर का एक बटन लगा होता है, तो आप उसमें डिस्पेंस करके उतनी ही दाल निकाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो बहुत ही शानदार है, अगर जो आपने खरीदा तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उसको सस्ते में खरीद लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजिंग आइडिया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि हमारे स्पाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो एक जगह पे भी हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ों में हमें नज़र आ जाए तो आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो ये जो स्पाइस रह गए तकरीबन 500 रुपये का, आप इसके अंदर अलग अलग तरीके के 16 मसाला डाल सकते हैं या स्पाइसेस डाल सकते हैं, तो बहुत ही शानदार लुक में है और शानदार। और आपको इस पर अपनी, इसको स्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं और अपनी शेल्फ के ऊपर रख के इसको अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में, और ऊपर इसके फ्लावर लगा हुआ है, तो एक ब्यूटीफुल आइटम भी है साथ के साथ एक ब्यूटीफुल चीज़ भी है, और तकरीबन 500 रुपये में है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड आपके मसाले इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर जो खरीदना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसको सस्ते में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजिंग आइडिया है कि अगर जो आपने शेल्फ पे कुछ ऐसे मसाले रखने हैं या जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे चाय पत्ती का डब्बा है या कुछ इस तरीके की शुगर का डब्बा है, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने रखना है, तो ऑर्गेनाइजेशन रैक है, तो ये तकरीबन 500 रुपये का आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से सस्ते में मिल सकता है। और बहुत ही अमेजिंग लुक में, स्टेनलेस स्टील में होता है कि यह ख़राब नहीं होगा फ्यूचर में भी और ब्राइट रहता है हमेशा, ख़राब नहीं होगा, तो बहुत ही शानदार यूज़ में अगर जो आपने खरीदना, तो नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको सस्ते में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो हम मैं लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार कॉर्नर ऑर्गेनाइजिंग ट्रे है। तो इसमें क्या है कि हम जब भी अपने बर्तन धोते हैं तो सिंक के अंदर हमेशा हमारा साबुन होता है या फिर हमारे जो स्पॉन्ज होती है, ब्राइट होता है, स्क्रैच प्रूफ ब्राइट होता है, तो उसको हम कहाँ पे रखें, तो वहाँ पे रखने के लिए स्पेस ही नहीं होता और वो इधर उधर फैलता है और उससे गल भी जाता है। तो बेसिकली अगर जो आपने कोई ऑर्गेनाइजिंग ट्रे रखनी है तो तकरीबन 180 रुपये की ये प्लास्टिक की ट्रे है और वो फिट भी हो जाएगी आपके सिंक में और बहुत ही शानदार लगती है। और इसमें आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है, बहुत छोटी सी जेल लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अच्छे में सस्ते में अगर जो खरीदना तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप खरीद लें। फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजिंग चीज़ है ये है आपका सोप डिस्पेंसर। आप इसके अंदर क्या लिक्विड सोप डाल लें और अगर जो आप जैसे बार यूज़ करते हैं तो वो गल जाती है बड़ी बड़ी, लेकिन लिक्विड डिस्पेंसर होने के कारण ये गलता नहीं है और इसमें यूजेबिलिटी भी इशू नहीं रहता, तो बहुत ही शानदार चीज़ है। और इसकी प्राइसिंग तकरीबन ये 200 रुपये का है और बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, तो अगर जो खरीदना है तो आप नीचे की दी गई डिस्क्रिप्शन से इसको सस्ते में खरीद लें। नेक्स्ट जो लेके आए ऑर्गेनाइजिंग, सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी नालियाँ आपने देखा होगा क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती है, तो नालियाँ क्लॉग ना हो तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा इशू यही रहता है कि जब हम बर्तन धो रहे हैं उसमें तो या तो छोटा जो बचा हुआ खाना उसके अंदर चला जाता है या फिर हमारे हेयर्स चले जाते हैं जो हमारी नालियों के अंदर भी जाते हैं। तो अगर जो हमने इसको कैचिंग करना है तो एक ये फ्रेश होम सिलिकॉन स्टार शेप्ड कैचर है, तो अगर जो आपने खरीदना है नीचे की डिस्क्रिप्शन में 200 रुपये का आ जाएगा और ये आराम से चिपक जाता है आपकी नाली के ऊपर। और इससे क्या होता है कि आपके जितने भी गंदा खाना है या फिर इस तरीके के हेयर्स वगैरह है तो इस तरीके से आपके हेयर चिपकेंगे, तो इसमें ये क्लॉगिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही शानदार लगी, इसलिए अगर जो आपने खरीदना है तो नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसको सस्ते में खरीद लें। फ्रेंड, नेक्स्ट जो मैं लेके आया हूँ बहुत ही शानदार, ये हमारा पैन और तवा रैक है। तो इसमें क्या है कि हमारे तवा और पैन रैक्स अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रख नहीं पाते, तो इसको क्या है कि आप बाहर रख लें और ये तकरीबन 800 रुपये का आ जाएगा, आपने खरीदना है नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद लें। और बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं और इसमें क्या है कि आपके सारे के सारे
तवा और रैक पे रखे जाएंगे और वो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लगेंगे और क्या है कि सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने भी नहीं पड़ते। तो ये क्या है कि कई बार आप मॉड्यूलर किचन में डाल के इसको भूल जाते हैं, तो एक मॉड्यूलर किचन के अंदर आप ये भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार इस तरीके के तवा और पैन रैक है, तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से सस्ते में खरीद लें। नेक्स्ट जो मैं लेके आया बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजिंग चीज़ है, ये है सेल्फ एडहेसिव स्टोरेज ट्रे। इसमें क्या है कि आपके ये बेसिकली ड्रॉअर के नीचे आप इसको चिपका दीजिए और ये अपने आप भी एडहेसिव, मतलब इसके अंदर चिपक जाती है और इसको आप बिल्कुल खींच सकते हैं। जैसे ये इसके अंदर पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि इसको इसके खींच लें, इसमें आप अपने नाइफ कटलरी चीज़ें जैसे स्पून्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके अंदर आप इसको पेंसिल या अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑफिस के नीचे इसको चिपका दें जहाँ पे अपने पेन वगैरह रख लें, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका घर चल सकता है। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, अगर जो खरीदना है नीचे के डिस्क्रिप्शन से आप इसको तकरीबन 350 रुपये का आप खरीद सकते हैं। और एक स्पेस रहती है जो हमारी माइक्रोवेव के ऊपर बिल्कुल खाली स्पेस रहती है, हम एक एरिया ऐसा बना देते हैं जहाँ पे हमारा माइक्रोवेव यूज़ होता है लेकिन उसके ऊपर स्पेस खाली रहती है, तो आप उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। तो उस माइक्रोवेव के ऊपर एक स्टैंड लग जाएगा तकरीबन 900 रुपये का, इसके अंदर आप कुछ भी जैसे मतलब ऑर्गेनो लगानी है या कुछ भी ऐसे स्पाइसेस रखने हैं तो उसको आराम से रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका किचन और भी शानदार लुक देगा, तो आप इसको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद सकते हैं। अगर जो जैसे डाइनिंग टेबल होता है या फिर हमारी ब्रेकफास्ट टेबल चल रहे हैं, तो उसमें आपने एक ट्रे रखना है जो कि रिवॉल्विंग हो, तो इस तरीके की रिवॉल्विंग ट्रे में है आजकल, तो आप इसको इसमें तकरीबन 300 रुपये की ट्रे है और इसमें आप अपने स्पाइसेस भी रख सकते हैं या फिर जो आजकल हम क्या जो हमारे पिकल्स होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें आप इसके अंदर रिवॉल्विंग ट्रे में रख लेंगे तो बहुत ही शानदार लगता है। तो अगर जो खरीदना है आप नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको सस्ते में खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपको ये सारी की सारी 10 ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स और तकरीबन ये सारी की सारी आइटम्स 1500 से नीचे की हैं, अगर जो खरीदना है आप नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको सस्ते में खरीद लें तो बहुत ही शानदार मॉड्यूलर किचन आपकी और भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नजर आएगी। तो अगर जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।